ये कहानी साउथ अफ्रीका के एक फ़ोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की है, जिसकी तस्वीर द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल को पुलित्ज़र प्राइज से नवाजा गया था। और इस एक तस्वीर की वजह से केविन शोहरत की बुलंदी पर बैठ गया था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद 33 बरस की उम्र में केविन ने खुदकुशी कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा, आई एम सॉरी, really sorry. The pain of life overrides the joy to the point that joy does not exist. I am haunted by the vivid memories of killing and corpses and anger and pain of starving and wounded children, of trigger-happy madmen, often police, of killer executioners. Kevin khud gora tha, मगर बचपन से कालों पर जुल्म और अपने माँ बाप की खामोशी से बेचैन रहता था। उसे यूनाइटेड नेशंस ने बतौर फोटोग्राफर सूडान की सीनियर वॉर और सूखे की कवरेज को भेजा। यहाँ भूख से मरते लोगों की तस्वीरें खींचते खींचते जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आई जहाँ से वो वापस ना लौट सका। उसकी इस तस्वीर में भूख से निडाल एक बच्चा है जिसके पीछे एक गिद बैठा है जो उस बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है। केविन उस बच्चे की मदद करना चाहता था, मगर पीछे से उसके साथी उसे हेलीकॉप्टर में वापस आने पर जोर दे रहे थे। उन्हें अंदेशा था कि अगर केविन उस बच्चे के पास गया तो उसकी बीमारी लेकर लौटेगा जो उनमें फैल सकती है। केविन ने गिद्ध को तो वहाँ से भगा दिया, लेकिन बच्चे को ऐसे ही छोड़कर हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गया और वो लोग वहाँ से चले गए। उसका एहसास जुर्म और संगीन हो गया जब किसी ने उसके चोटिल जहन को उसी जख्मी यह कहकर कर दिया कि उस तस्वीर में एक नहीं दो गिद्ध हैं, एक वो जो बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा है और दूसरा वो जो उसे मरता छोड़ आया। केविन ये इल्ज़ाम बर्दाश्त ना कर पाया और आगे की कहानी पहले की बताई जा चुकी है। बताते हैं वो बच्चा उस वक्त तो बच गया, लेकिन कुछ बरस बाद मर गया। दोस्तों, भूख की शिद्दत से 28 सितंबर 2017 को झारखंड के गांव में 11 साल की संतोषी ने भी दम तोड़ दिया। कुछ दिन की कहानी बनी और ज़िंदगी आगे बढ़ गई। याद रहे कि इसी साल हमने 104 सैटेलाइट्स आसमान में भेजे थे। अब आप फैसला करें, भूखे को रोटी ज़्यादा ज़रूरी है या साइंसी तरक्की? क्या आपको पता है कि दुनिया की 50% दौलत 1% से भी कम लोगों के पास है, और अगर ये चाहें तो कोई भी भूख से ना मरे। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से मुझे अपने इल्ज़ाम होने पर शर्मिंदगी सी हो रही है। ज़रा आप भी अपने मन को टटोलिए, क्या अपने इंसान होने पर आपको फ़ख्र है? मुझे बिल्कुल भी नहीं है।